टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओषा कॉम्प्लेक्स, इवेश चौराहा, मेरठ। मेरठ परीक्षितगढ़ खजूरी की एक युवती ने परिजनों संग ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। युवती का कहना है कि 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। इससे वह 3 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इन लोगों ने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या के लिए बाध्य होंगे। एसएसपी ने 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परीक्षितगढ़ के सामूहिक रेप का यह वही मामला है जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटीक को एसएसपी ऑफिस आना पड़ा था। यहाँ आने का नतीजा तो कोई नहीं निकला, अलबत्ता दोनों के बीच बेरुखी व तलखी जरूर नजर आई थी। पीड़िता व परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती का डरा धमका कर धर्म परिवर्तन भी करा लिया गया है, नाम भी अब जैनब रख दिया गया है। जय गांव के इन 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस कप्तान ऑफिस पहुंचे, इन लोगों ने यह कहा। आपका टीटू, क्या मामला हुआ है? मेरी बहन के साथ गैंगरेप होया है 4 महीने पहले से, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने जा कर हमें चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं और वे जान से मारने की हमें धमकी दे रहे हैं। और फैसले पे इन्हों, अगर तुमने फैसला नहीं करा तो तुम्हारी बहन को खत्म कर देंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। एसएसपी दफ्तर पहुंचे हो, एसएसपी का क्या कहना है? एसएसपी ने 2 दिन का समय दे दिया कि तुम्हारी कार्रवाई बिल्कुल अनचिंतित होगी। मेरे मामला अज्ञात में आ गया। माननीय मंत्री जी दिनेश खटीक जी खुद यहाँ पीड़िती को लेकर आए थे यहाँ, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। उसके उन मंत्री जी के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। पूरा आरोप क्या है? पूरा आरोप यो है कि हमें वे गिरफ्तार चाहिए सारे के सारे। क्या मामला हुआ था आपकी बहन के साथ? गैंग रेप होया जी, और 3 महीने की प्रेग्नेंट है मेरी बहन। आपने अभी एक बात कही कि धर्म परिवर्तन से संबंधित क्या है पूरा मामला? वो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया इसका। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम रख दिया है? नेहा नाम था पहले, अब जैनब आ गया। आधार कार्ड बताया था आपने, कोई दिखाया है अभी? नहीं, अभी दिखा दिया मैंने एसएसपी को जी। आधार कार्ड असली है ना? असली है, ओरिजिनल जो उन्होंने बनवाया है ये रहा। क्या शादी वगैरह की थी आपकी बहन ने? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं की, चाकू की नोक पे जबरदस्ती इस पे रेप करा इसका। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।